तो यहाँ पर जो देख सकते हैं बाबा जी का विभूति है, यहाँ पर बहुत बड़ा लोहिया रखा हुआ है, जो लोग यहाँ आकर के विभूति लेते हैं, जो भी लेते हैं इसको माथे से लगाने से बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो देखिए लिखा हुआ है नीचे में, यहाँ पर बहुत भीड़ है, इसी के कारण जो है कि मैं थोड़ा सा वीडियो जो है शॉर्ट कर बनाना चाहता हूँ। विभूति का भी देख सकते हैं आप, जो लोग ले रहे हैं अभी इस वक्त। तो ठीक है भाई, बाय बाय टाटा, बहुत कुमारी माता की तरफ जा रहे हैं हम लोग। देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो उधर एयरपोर्ट भी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोग देख सकते हो, उधर है भैरव बाबा का मंदिर, जो कि लोग लाइन में लगे हुए हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, उधर की तरफ है। ये जो है बाबा विभूति का है, जो विभूति है वो लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो चंदन भी जो है कि पहले ले चुका है, चंदन हमारे साथ हैं, तो आप लोग देख सकते हैं विभूति जो है हम लोग भी ले चुके हैं। सोचा मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूं, कुछ आप लोगों को भी दिखाऊं, ताकि आप लोग भी जब आओ तो बाबा विभूति ज़रूर लेके जाओ। ये देखिए इधर, इधर देखिए, इधर देखिए, ये रहा बाबा का विभूति, आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत आ गया है, पहले कम था लेकिन अभी जो है कि लोगों को भीड़ के हिसाब से ले रखा है। तो ठीक है चंदन भाई, तो आपने विभूति ले ही लिए हैं, अच्छी बात है। अभी हम यहाँ से चलते हैं, आगे की ओर चलना पड़ेगा। हाँ, तो अतकुमारी की माता, अब हम लोग देख अतकुमारी की माता और जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे जो भीड़ है, शायद ये भी भैरवनाथ के दर्शन करके ये भी जाने की कोशिश करेगा। तो हमारा जो बैग है, बैग में भी हम काफ़ी सामान ले लिए हैं। तो ठीक है भाई, ओके बाय, अतकुमारी की माता तरफ जय माता दी।